तो हम टुल्लक बटन का एक और एग्जांपल करने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एनिमेटेड चार्ट। ठीक है, एनिमेटेड चार्ट। तो बेसिकली क्या है कि मेरे पास जो डेटा आप देख रहे हैं ना, डेटा काफी बड़ा है, राइट। अब मैं इतने बड़ा डेटा का चार्ट एक जगह से दिखा नहीं सकता, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने डेटा बनाया कि डेट, और यहाँ पे हमने सेल्स दिया, और मैं यहाँ पे इंक्रीजमेंट वैल्यू डाल दिया, INC वैल्यू को यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया ऑफसेट का कि ऑफसेट इसमें से जाओ, इतने नंबर ऑफ रो को लो, प्लस हमने यहाँ पे दे दिया रो, और हमने इसमें कर दिया -5 एंड -0। तो क्या होगा, अब इसमें डेट आ गया हमारा। अब मुझे चार्ट मुझे 10 दिन का चाहिए, तो मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ, F4, इसको भी फ्रीज कर देता हूँ। फ्रीज करके 10 दिन का चाहिए, तो मैंने 10 दिन का, जितना दिन चाहिए, जितना बड़ा चार्ट आपको बनाना है, 15 दिन का बनाना है, तो 15 हमने यहाँ ले लिया। और फिर हमने इसको यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, और यहाँ पे हम 1 दे देता हूँ ऑफसेट में, ताकि यहाँ पे नंबर्स आ जाए। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर चार्ट बनाया, यहाँ इंसर्ट में तो लाइन चार्ट बना लिया, आपको जो चार्ट चाहिए वो चार्ट ले सकते हैं। फिलहाल मैंने लाइन चार्ट बना लिया, लाइन चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि इफेक्ट और अच्छा तरीके से दिखे। ठीक है, उसके बाद मैं डेवलपर में गया, और जैसे कि यूजर फॉर्म पे जो बटन होते हैं टुल्लक, वो बटन आपको यहां में मिलता है, इसको लिया और हमने इसको यहाँ पे डिजाइन किया। ठीक है, और डिजाइन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे एडिट में लिख देता हूं स्टार्ट, स्टार्ट राइट। और इस पे डबल क्लिक करके हम कोड करते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन देंगे कि इफ मी डॉट टू, मी नहीं है, माफ कीजिएगा, C2 है ना, हाँ, C2 डॉट टुल्लक बटन 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन अब मैं इसी का कैप्शन चेंज करता हूं, C2 डॉट टुल्लक बटन 1 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू स्टॉप, और फिर एल्स में हम दे देते हैं स्टार्ट, स्टार्ट और स्टॉप का यहां पे ऑप्शन आएगा, राइट। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ कि जैसे कि मैं इस पे क्लिक करूंगा, सॉरी एंड सब्जेक्ट, अच्छा एंड इफ नहीं है यहां पे, माफ कीजिएगा, जैसे मैं ये जब हैंग हो गया तरीके, ये हैंग हो गया सर, तो हम इस पे यहाँ पे पहले चेंज करते हैं, राइट क्लिक करके एडिट में, हमारा फाइल हैंग हो गया था यहीं पे स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस पे जाते हैं, हम कोड करते हैं कि इफ C1 डॉट टुल्लक बटन 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन C1 डॉट टुल्लक बटन 1 डॉट कैप्शन इक्वल टू हो जाए स्टॉप। फिर हमने यहाँ पे एल्स दिया, और एल्स में, सॉरी इसके स्पेलिंग, एल्स में इसको कॉपी करके कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, और स्टॉप के जगह पे यहाँ दे देते हैं स्टार्ट। ठीक है, एंड इफ, अब मैं यहाँ से डिजाइन मोड को हटाता हूँ, अब देखिए इस पे क्लिक करूंगा तो स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट, राइट। अब मैं यहां पे लिखता हूं डू व्हाइल, और मैंने यहां पे लिखा कि C2 डॉट टुल्लक बटन 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और हमने यहाँ पे दिया
कि रेंज कौन सा है, G2 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज यहां पे G2 डॉट वैल्यू इक्वल टू +1 राइट, और यहां पे हम दे देते लूप। अब इसमें इसको धीरे धीरे चले इसके लिए मैं यहां पे दूंगा डू इवेंट्स, और इसके नीचे भी दे दूंगा डू इवेंट, इससे क्या होगा स्लो चलेगा। ठीक है सर, डू इवेंट ऐसे करता क्या है सर? प्रोसेस पे गैप देता है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के बीच गैप देता है। ओके ओके, ध्यान देखिए, ठीक है सर, खत्म खत्म। इसको और स्लोली चलाने के लिए हमें ये डू इवेंट, हाँ डू इवेंट देंगे, टाइम बढ़ा देना होगा। ओके ठीक है, सर ये एक्सेल भेजिएगा सर। हाँ भेज देता हूँ इसमें, और अगर आप चाहते हैं कि वेट हो धीरे धीरे चले तो यहां लिख दीजिए एप्लीकेशन डॉट वेट नाउ प्लस टाइम वैल्यू। जी जी रे जीरो ठीक है, एक मिनट में पहले फाइल को सेव कर देता हूँ क्योंकि दर्द भी हो गया। और एक सेकेंड में मूव होगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये एक्सेप्शंस है राइट। अब एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं करने के लिए, नोट कीजिए, एक कोड है एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम, हाँ एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम एक एक कोड है बीवी का, उस पर आप रिसर्च करें और मुझे भेजिए।